हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का गॉड ऑफ झा फिटनेस में। भाई लोग, आज आपका भाई लेके आ गया है शोल्डर पे वर्कआउट। भाई शोल्डर राउंड के लिए आया है, घर पे मैं जिम नहीं जाता हूँ, कोई इक्विपमेंट नहीं हमारे पास, तो आपका भाई लेके आ गया है घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के इस्तेमाल के, बिना जिम के इस्तेमाल के घर कैसे अपने शोल्डर को राउंड कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, अपने फिजिक को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ज्यादातर क्या होता है भाई कि मस्कुलर जो मतलब दिखता है, जिसको बाहर से आप देखते हो भाई तगड़ा दिख रहा है, मेन कारण होता है उसका शोल्डर भाई राउंड रहता है, गोला रहता है, जिससे ऑल ओवर उसका वाइडनेस जो है, चौड़ाई जो है वो बढ़ जाता है, पर्सनैलिटी अलग ही बोल्ड दिखता है, तगड़ा दिखता है। तो आप लोगों को किस्सा बता रहा हूं मैं, घर पे जो बंदा करना चाहता है सिंपल सिंपल एक्सरसाइज से अपने शोल्डर को थोड़ा बहुत डेवलप, बिना इक्विपमेंट के इस्तेमाल के, बिना जिम के, रूम में, गार्डन में, छत पे, ग्राउंड में, जहां मर्जी आप स्टार्ट हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको, दो इंच के लिए अगर आसपास हो आपके तो दो इंच से इस्तेमाल कर सकते हो, और एक साथ बाकी किसी चीज से आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई बोतल हो आपके पास, कोई बैग हो वेट वाला, वेट की जगह पे कोई सब चीज इस्तेमाल कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप यही यूज करो। ईट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ईट हर एक के पास अवेलेबल होता है, ईट से अच्छे से सारा वर्कआउट फॉर्म हो पाएगा और इजिली आप कहीं से भी मिल भी जाता है। तो देखो वर्कआउट भाई, फॉर्म करो अपने शोल्डर को भाई, तगड़ा करो, एक एक एक्सरसाइज पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा, साथ में करो, रिजल्ट का गारंटी मेरे पे छोड़ दो। सिर्फ आपको एक्सरसाइज साथ से देखना है, परफॉर्म करना है, कोई भी पूछना करो, जब फिटनेस के ऑनसे चलना, ठीक है लोग, तो वीडियो देखो और साथ से फॉलो। तो पहला एक्सरसाइज हुआ भाई हमारा पाइक पुशअप, जिसको भी बोलते हैं पाइक पुशअप। भाई अपने क्या करना है, ईट को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड प्लेस कर देना है। अब ईट से क्या होगा, थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, तो नीचे जाते समय और अच्छे तरीके से आप अपने शोल्डर पे फोकस कर पाओगे। करना क्या, आपने इस तरह ग्रिप लेना है और कमर को कर लेना है ऊपर इस तरह से, ठीक है, ऊपर रखना है, ऊपर नीचे आना है, शोल्डर पे कॉन्ट्रेक्शन, सारा का सारा जोर लगेगा आपके शोल्डर पे, पूरा नीचे आए दो, 15 से 20 रेपिटेशन आपका ये पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। नीचे जब आप लोग देख सकते हो शोल्डर पे कॉन्ट्रेक्शन किस तरह का हो रहा है, सिंपल एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज आपने यही रखना है 15 से 20 रेपिटेशन पाइक पुशअप्स, ठीक है, पूरा नीचे आए दो, अप, ये आपका हो जाएगा पहला एक्सरसाइज। फॉर्म देख लिया आप लोगों ने, शोल्डर से अपने अपने चौड़ाई के हिसाब से रखना भाई, जरूरी आपका चौड़ाई इतना है तब भी आप नाप के जो रखते हो बिल्कुल नहीं, अपने विड्थ के हिसाब से जितने चौड़े हो उसी हिसाब से शोल्डर से बस थोड़ा सा बाहर रखना है भाई, ग्रिप रखना इस तरह से, कमर कर लो ऊपर और स्टार्ट करना आपने पुशअप इस तरह करके 15 से 20 रेपिटेशंस पहला एक्सरसाइज। चलते हैं भाई दूसरे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2 भाई, ध्यान से देखना भाई इसका फॉर्म, ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखना। करना क्या क्या, आप लोगों को शोल्डर के ठीक सामने सामने ईट रखना है, ठीक है, आप जब पुशअप लगाते हो तो ये आपका सिंपल पुशअप हो जाता है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो, क्या करते हो पुशअप में, सारा का सारा बॉडी बॉडी नीचे लाते हो, शोल्डर भी आपका नीचे आता है। अभी क्या करना है, शोल्डर को यहीं पे लॉक करो, शोल्डर को यहां से मूव नहीं करना है, थोड़ा सा मूव करेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा, और क्या करना है आपको, पूरा बॉडी वेट जो है आपको नीचे लाना है, शोल्डर पे फोकस, अप। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, दिखने में बहुत ही आसान लगता है भाई, करके देखोगे बहुत अच्छा रिजल्ट घर पे मिलेगा आपको। पहला आपने वॉक करना है बाइक पुशअप से, दूसरा आपने ये करना है, हाथ सामने की तरफ ग्रिप रखोगे और आप शोल्डर को लॉक कर लोगे यहां पे, फिर नीचे आओ, अप, इस तरह करके 15 से 20 रेपिटेशंस, 20 से 30 रेपिटेशंस, बहुत अच्छा आपका शोल्डर का राउंडनेस आएगा, गोला होकर शोल्डर आएगा और बेहतर आपका शोल्डर दिखेगा। अब आप लोग देख सकते हो शोल्डर पे कॉन्ट्रेक्शन, वर्कआउट कर रहा हूं तो पूरा अप, इस तरह करके आप शोल्डर को काम कर सकते हो, थोड़ा सा बेंड होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शोल्डर को जो है ज्यादा मूव नहीं कर रहे आपको। सारा बॉडी वेट जो है डाल रहे हैं भाई हम लोग इसके राउंडनेस पे, गोलापन पे, तो अच्छे तरीके से काम होगा आपका। एक्सरसाइज नंबर 3, अब थर्ड एक्सरसाइज क्या करेंगे भाई, अपने फ्रंट डेड पे, फ्रंट के कट पे, इस पे काम करेंगे, सामने से कट होके आता है भाई, इस पे काम करेंगे, दोनों को कम कर दो कंबाइन, आपके पास अगर डंबल है, ईट है, जो भी, अगर आप बस होटल है, कोई सारी चीज हो, उसको क्या करना है आपने, इस तरह ग्रिप लेना है ऊपर आके, इस तरह से 15 से 20 रेपिटेशंस शोल्डर के सामने वाले कट के लिए भाई, अच्छे तरीके से आपका शोल्डर का सामने वाला कट बन के आएगा, इससे थोड़ा सा वेट हो जाएगा, अगर आपके पास हैवी वेट डंबल है तो रेपिटेशंस अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से रखना भाई, ठीक है। सामने वाला शोल्डर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि फ्रंट से आपका विजिबल वही होता है, जितना बेहतर कट होगा उतना बेहतर आप ब्रॉड दिखोगे, उतना चौड़ा दिखोगे उतना ही मस्कुलर दिखोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, ये एक्सरसाइज देख लिया आप लोगों ने, इट को कंबाइन करना है और सामने सामने रख के फ्रंट वाले कट के लिए, अभी करना है भाई साइड रेजेस, ठीक है, साइड वाले पार्ट के लिए, तो साइड वाले पार्ट के लिए लगाएंगे सिंपल साइड रेजेस 1, जैसे जिम में लगाते हो डंबल से, घर पे लगाओ ईट से, हमारे पास वेट कम है रेपिटेशन बढ़ा दो, इस तरह से कम 40 से 45 रेपिटेशन रखना है आपको, ठीक है, और जिम जो भाई बहुत ही बिगिनर है वो 15 से 20 लगा सकते हैं 3 से 4 से, हमारे साइड वाले पार्ट के, हमने फ्रंट वाले पार्ट में काम किया,
साइड वाले पार्ट में काम करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, तीनों तरह से तीनों तरफ से टाइट करेंगे, फ्रंट से, साइड से, फिर पीछे से रियर ड्रेन पे काम करेंगे। जब तीनों पार्ट ड्रेन हो जाएगा तो हमारा रोमनेशन शोल्डर का अच्छे से हो जाएगा, पूरा बोल दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, हमने साइड में कर लिया, साइड रेजेस सिंपल ही है। दूसरा एक्सरसाइज हमारा साइड रेजेस। तीसरा एक्सरसाइज क्या होगा, आपको इस तरह से बेंड होना है। अब पीछे वाले पार्ट पे काम करेंगे भाई, रियर ड्रेन पे कैसे काम करेंगे, अब इस तरह से बेंड हो रहा है, ठीक है, और सारा का सारा शोल्डर सबके शोल्डर के पीछे वाले पार्ट पे इस तरह करके 15 से 20 रोटेशन आपका शोल्डर का रियर ड्रेन पीछे वाला भाग भाई बन के आएगा, जिससे कि आपका शोल्डर भाई गोला दिखेगा। घर पे अच्छे से ट्रेन होकर आएगा आपका शोल्डर, अगर घर पे बना रहे भाई तो जो मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ वर्कआउट भी आप लोग परफॉर्म करते रहो, बहुत ही अच्छा शोल्डर आपका बहुत ही कम टाइम में बन के आएगा। मैं सारा कुछ एक एक करके बता दे रहा हूँ, बस आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके या सेव करके जैसा मर्जी देख देख के भी आप कर सकते हो परफॉर्म साथ ही साथ, इसलिए मैं रुक के बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भाई हमारा, आप लोग कहते हो भाई यहाँ से कट के शोल्डर नहीं आ रहा है, कट जो निकलता है यहाँ से अलग अलग हमारे ट्रैप से तो हटता है शोल्डर, ये नहीं आ रहा है, तो उसका एक्सरसाइज बताओ। सिंपल एक्सरसाइज है भाई, क्या करना है आपने, डंबल जो भी आपके पास है सामने पकड़ना है, ऊपर ले जाके होल्ड करना है। अब क्या होगा, आपका शोल्डर जब भी अलग अलग होगा सेपरेट दिखेगा भाई, तो आपका जो है भाई लुक अच्छा कर देगा भाई फ्रंट से। तो आपने क्या करना है, इसको डंबल को यही जो भी है यहाँ रखना है, ऊपर आके होल्ड डाउन। अब क्या कर सकते, क्या कर रहे हो, ट्रैप्स को भी इंगेज कर रहे हो भाई, ऊपर आके होल्ड 2, 15 से 20 रोटेशंस, बस आपको यहाँ पे लाके होल्ड करना है। आप लोग जिम में अगर बारबेल से लगाते हो, डंबल से लगाते हो, बिल्कुल उसी तरह का इफेक्ट देगा, सामने से जो आप लोग देखते हो एक्सरसाइज करते हैं, आपको इनको ऊपर ले आना है और होल्ड करना है 3, इस तरह करके आपने ट्रैप्स को इंगेज कर रहे हो। अब ट्रैप्स क्या होता है भाई, बहुत ही आप लोगों का फेवरेट मसल होता है, कि आपका बॉडी बिल्डर टाइप लुक थोड़ा बहुत जो आता है वो कॉलर से ही आता है। जिन भाई कॉलर अच्छा होता है उनका बॉडी पे 4 चांद लग जाता है, मस्कुलर दिखते हैं वो बंदे। तो भाई आप लोग को बता रहा हूं मैं क्या करना है, आप लोगों को सिंपल आपने एक चीज ध्यान रखना है, आपके पास ईट का है तो आपका वेट कम है तो रेपेशन रखना पड़ेगा आपको ज्यादा। कॉलर के लिए क्या करना है, सिंपल इसे बता रहा हूं, हाथ को पूरा रिलैक्स छोड़ो, ठीक है, और ऊपर आके ट्रैप स्क्वीज। आपका क्या करना है, सिर्फ एब्स का कोई हेल्प नहीं, सिर्फ शोल्डर को ऊपर लेके जाओगे और ट्रैप्स को इंगेज करोगे, पूरा हाथ छोड़ो ऊपर लेके जाओ, ट्रैप्स इंगेज रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, हम हाथ में कोई सा वेट लेंगे और वेट का जो जोड़ है हम डालेंगे ट्रैप्स पे। तो अगर हमारे पास ईट है तो ईट लेते हैं भाई, आर्म्स को पूरा रिलैक्स छोड़ो, शोल्डर को ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो डाउन, क्या हो रहा है हमारा ट्रैप्स इंगेज हो रहा है, ऊपर लेके जाओ होल्ड करो डाउन, कॉलर आपका अच्छे तरीके से बन के आएगा भाई। इसी में आप सामने से टारगेट कर सकते हो, इसी में आप पीछे से टारगेट कर सकते हो, चारों तरफ से भी आप टारगेट कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, आर्म्स का कोई हेल्प नहीं, सिर्फ शोल्डर को ऊपर लेके जाओ और अपने ट्रैप्स को ध्यान रखना, हाथ आपका बेंड ना हो, बस हाथ सीधा रहे, शोल्डर ऊपर लेके जाओ, ट्रैप्स आपका इंगेज होना चाहिए। तो सिंपल एक्सरसाइज दिखा, सिंपल एक्सरसाइज आप लोगों ने देख लिया भाई, तीनों तरफ से शोल्डर को टारगेट कर लिया, सामने के पार्ट को टारगेट कर लिया, कॉलर को टारगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट वर्कआउट है। साथ ही साथ फॉलो करो और बेहतर रिजल्ट पाओ। कोई भी क्वेरी तो इंस्टा पे पूछना, गौरव फिटनेस का अध्यक्ष चढ़ा है, और बाकी मिलता है वीडियो में और अच्छे करने के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी भाई, वर्कआउट करते रहो, रिजल्ट गारंटीड मिलेगा भाई, जो मैंने बताया, बस परफॉर्म करना है, ठीक है भाई।